नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। अवैध कब्जा पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर, पुलिस की मौजूदगी में बरारी इलाके से हटाया गया अतिक्रमण। भागलपुर नगर निगम में वर्षों से जमे दो दर्जन से अधिक कर्मियों का हुआ तबादला, वरीयता सूची पर उठने लगे सवाल। देश भर में तेजी से बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, भागलपुर में 300 मरीज हुए स्वस्थ। और नवगछिया में अपराधियों के हौसले बुलंद, मुर्गा कारोबारी से नकाबपोश बदमाशों ने लूटे रुपए। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े अपराधी लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। सोमवार की दोपहर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीगंज के समीप हथियार के बल पर अपराधियों ने व्यवसायी उमेश प्रसाद शाह के पुत्र पवन शाह से लगभग 1,30,000 रुपए लूट लिया। घटना की सूचना मिलते ही CTSP और CTDSP मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू की। पुलिस ने आसपास में लगे CCTV कैमरे को खंगाला, जिसमें दो बाइक पर सवार चार युवक हथियार के साथ नजर आए और लूट की घटना पूरी तरह CCTV कैमरे में कैद हो गई। मामले के उद्भेदन को लेकर पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। खबर लिखे जाने तक मामले का उद्भेदन नहीं हो सका है। पूरे मामले पर जब मीडिया कर्मियों ने CTSP से विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश की तो CTSP SK सरोज ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि देखना यह होगा कि आखिर कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाती है। आज हमारा बच्चा पैसा लेकर आ रहा था, दो मोटरसाइकिल आया था, लेकर भाग गया। कहां से पैसा लेकर आ रहा? घर से लेकर आ रहा था। घर कहां? घर बगले में। कौन? नहीं सर। नहीं सर। कितना पैसा? 1,28,687 रुपया। घर से मतलब आ रहे थे तो गोली सटाया, पैसा लेके निकल गया। कितने आदमी? चार आदमी थे। हाँ, कैसे था? कैसे आ? बाइक से थे, दो बाइक थे। भागलपुर जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त रुख अपना रही है। सोमवार को CEO की देखरेख में भागलपुर झौवा कोठी क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और कई वर्षों से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों को खदेड़ा। हम आपको बता दें कि इससे पूर्व भी भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से झौवा कोठी क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था और अतिक्रमणकारियों को दोबारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न करने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद लोगों ने फिर से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा कर मकान का निर्माण करा लिया। CEO ने बताया कि पूर्व में सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजकर मकान खाली करने का निर्देश दिया गया था और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही गई थी। सरकारी जमीन पर रह रहे अधिकतर लोग बाढ़ पीड़ित हैं, जिनका मकान बाढ़ की चपेट में आने से गंगा नदी में समाहित हो गया था, जिसके बाद अपनी जान बचाकर लोग झौवा कोठी में झुग्गी झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान में CEO के साथ बरारी थाना प्रभारी समेत काफी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। पदाधिकारी महोदय सदर भागलपुर का आदेश से यहाँ पर जो झौवा कोठी स्टाफ सरकारी क्वार्टर के अंतर्गत जो अतिक्रमण किए गए थे उसको रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग अपने जो है अतिक्रमण स्वरूप गाय का खटाल बना लिए थे मंदिर के परिसर के आड़ में, उसको हटाया गया है। सरकार जो झोपड़ी पहुँचे हमारा की जगह जमे रहती है ना करती। भागलपुर नगर निगम में एक साथ 28 महत्वपूर्ण पदों पर जमे कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है। नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने इन कर्मियों के तबादले का आदेश 20 जून को ही जारी कर दिया था। वहीं सोमवार को कार्यालय खुलते ही विभिन्न शाखाओं के प्रभारी से लेकर अन्य कर्मियों के बीच ट्रांसफर की खबर चर्चा का विषय बनी रही। नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी ने कार्य को गति देने के लिए नगर निगम की विभिन्न शाखाओं में वर्षों से जमे शाखा प्रभारियों के साथ कई सहायकों को एक विभाग से दूसरे विभाग में चार्ज लेने का आदेश पारित कर दिया है। वहीं चिट्ठी मिलते ही कर्मचारी संघ एवं कर्मियों के बीच वार्ता का दौर शुरू हो गया है। नगर निगम के कुछ कर्मियों ने बताया कि ट्रांसफर का जो आदेश निकाला गया है उसमें वरीयता सूची का पालन नहीं किया गया है। नगर आयुक्त द्वारा जारी लेटर के अनुसार योजना शाखा प्रभारी आदित्य जायसवाल को मोबाइल टावर और ट्रेड लाइसेंस का जिम्मा दिया गया है। वहीं OS का कार्य कर रहे मोहम्मद रेहान को स्थापना शाखा प्रभारी, होर्डिंग्स एवं प्लास्टिक बैन एवं दुकानों में किराया वसूलने का प्रभारी बनाया गया है। सहायक सबीर अहमद को प्रभारी कार्यालय अधीक्षक और नक्शा शाखा का कार्य सौंपा गया है।
वहीं सहायक लेखपाल पंकज कुमार को योजना शाखा प्रभारी जबकि सहायक जयप्रकाश यादव को कर शाखा प्रभारी से हटाकर सामाजिक सुरक्षा एवं नमामि गंगे और डे NULM का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा नगर आयुक्त ने विकास हरी, सुनील हरी, दिव्य स्मृति, गौतम मलिक, हसन खान समेत कई कर्मी और जोनल प्रभारियों को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया है। साथ ही नगर आयुक्त ने ट्रांसफर किए गए सभी कर्मियों को एक सप्ताह के अंदर अपने पद स्थापित शाखा में योगदान करते हुए प्रभार का आदान प्रदान करने को कहा है। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि जो कर्मी आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी जिले में लगातार तेजी से अपना पांव पसार रहा है। विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों की कोरोना रिपोर्ट लगातार पॉजिटिव आने के बाद जिले वासियों की चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं राहत भरी खबर यह है कि भागलपुर में पाए गए कोरोना संक्रमित तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। जिले में अब तक कोरोना वायरस का आंकड़ा लगभग 400 के पार जा चुका है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 300 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, TTC घंटाघर के अलावा कहलगांव एवं नौगछिया में भी कोरोना संक्रमितों को भर्ती कराया जा रहा है, जहां नियमित देखभाल के कारण मरीज तेजी से रिकवरी कर रहे हैं। भागलपुर में फिलहाल एक्टिव कोरोना मरीज की संख्या 100 के आसपास है। सदर अस्पताल के फ्रू कॉर्नर में कोरोना संदिग्धों की सैंपलिंग की जाती है, जबकि मायागंज अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में गंभीर मरीजों को भर्ती कराया जाता है। गौरतलब है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8000 के पार जा चुका है, जिसमें से लगभग 5400 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि अब तक राज्य में कोरोना से 55 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर MD रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी CT स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है, और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, non-AC जनरल वार्ड उपलब्ध है।
चंपा नाला पुल के निकट चंपा नगर भागलपुर। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस जिला नवगछिया परवत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पहुंच पथ गौरैया के समीप सोमवार को अपराधियों ने एक मुर्गा कारोबारी से दिनदहाड़े 2,25,000 रुपए की लूट कर ली। बाइक पर सवार दो लुटेरे ने यमुनिया जाने वाले मार्ग पर मुर्गा कारोबारी को रोककर हथियार के बल पर पैसा लूट लिया, जिसके बाद कारोबारी प्रिंस कुमार ने घटना की सूचना परवत्ता थाना को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। गाड़ी मालिक प्रिंस कुमार ने कहा कि मुंगेर से मुर्गा की डिलीवरी कर ड्राइवर और खलासी गाड़ी लेकर वापस आ रहे थे, तभी परवत्ता थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो नकाबपोश ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दे दिया और फरार हो गए। गौरतलब हो कि जिले में लूट एवं आपराधिक घटनाओं में काफी तेजी आ गई है, लेकिन प्रशासन अपराध एवं अपराधियों पर लगाम कसने में फिलहाल विफल नजर आ रही है। घटना मुर्गी का गाड़ी है, मुंगेर से माल उतार के आ रहा था और उसके बाद ये गौरैया है परवत्ता थाना क्षेत्र में, उसी में उतरा हुआ गौरैया से जो जमुनिया निकलता रास्ता, उसी बीच में एक मोटरसाइकिल पर दो आदमी हथियार बंद लेके आया, दो पिस्टल लेके, दोनों साइड से ड्राइवर को खिलाफ दोनों को पिस्टल सटा के मतलब जान से मारने का धमकी दिया, नहीं तो पैसा दो नहीं तो मार देंगे। इस अभी डर से टोटल पैसा निकाल के टोटल उसमें 2,25,000 रुपया था टोटल छीन गया और छीन के जमुनिया के तरफ फरार हो गया। एक मुर्गी अनलोड करके बिक्री करके वहाँ से मुंगेर से लौट रहे थे। मुंगेर से 7 बजे सुबह में चला था और वो यहाँ करीब 9:30 बजे के आसपास पहुँचा था। परवत्ता थाना क्षेत्र के गरैया से जमुनिया तरफ रोड जाती है, बैक रोड है 14 नंबर, केला बगान है उधर, उधर ही जो है उसको रोक करके एक मोटरसाइकिल पर दो सवार व्यक्ति उनको हथियार का भय दिखा करके समथिंग 2,25,000 रुपया का लूट किया गया है। गुदड़ी के लाल की कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन संसाधनों की कमी और गरीबी से जूझ रहे युवा के मन में जब कुछ बड़ा करने की जिद हो तो उसे रोक पाना काफी मुश्किल होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर कहलगांव के कर्मा गांव निवासी कालू पासवान के 21 वर्षीय पुत्र रामानंद पासवान की। रामानंद पासवान ने गरीबी के कारण 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की, लेकिन इसके अंदर मौजूद कलाकार एवं बाल वैज्ञानिक ने कुछ बड़ा करने की इच्छा का दामन नहीं छोड़ने दिया। संसाधनों की कमी के बावजूद रामानंद ने कबाड़ हो चुके सामग्रियों से कई प्रोजेक्ट तैयार किए। सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा में आई रामानंद द्वारा बनाई गई मोदी टॉर्च। टॉर्च में खास बात यह है कि यह एक साउंड सेंसर टॉर्च है जो ताली बजाने या आसपास में आवाज होने पर जलती है। रामानंद ने कहा कि आतंकियों या दुश्मन की आहट से भारतीय सेना के पास मौजूद ऐसा टॉर्च आसानी से जल जाएगा, जिससे सैनिक दुश्मनों को आसानी से पकड़ पाएंगे। वहीं रामानंद के पिता कालू पासवान ने कहा कि बचपन से ही रामानंद को कुछ नया करने की चाहत थी और वह हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। काफी कुछ करने के बाद भी वह निरंतर प्रयास करता रहा, जिसका परिणाम है कि उसने कई प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। साथ ही कहा कि सरकार ध्यान दे तो रामानंद कुछ बेहतर कार्य कर देश के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। एक नहीं कर रहा है, ये इसी में लगा रहता है और हम लोग इसको 100 बोली भी कहते हैं, लेकिन कोई नहीं दिनवाई देता है, बस इसी में लगा रहता है। चाहे माल भी उधर मर जाए इसको कोई मतलब नहीं है, चाहे इसको 100 गाली भी दीजिएगा कोई परवाह नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरा काम हमसे होबे नहीं करता बोलता। ये सिग्नल है सर कि मतलब इधर देख कर, इसका ये सिग्नल है कि सर मैंने ये सोच के बनाया है
कि जो अगर कोई अड़ोस पड़ोस गया, चोर वगैरह कोई भी आता है, तो हमारा पहले ये अल्ट कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा साउंड की आवाज़ से बढ़ जाएगा ये सोच कर। और फौजी भाई जो हमारे आतंकवादी जो हमला करता है, तो ये पहले ही हमारा ये अल्ट कर जाएगा, वहाँ पर भी अल्ट कर जाएगा। खाली महीम लागल रहे घूरी फूरी बना छे कतो बोली गारे कत रहे छे घूरी फूरी एक काम करे में रहे छे कतो कुछ का पचास में भाग दिमाग लगल छे। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र कसाई टोला पुरेनी निवासी मोहम्मद हबीब के पुत्र मोहम्मद जमील को पुलिस ने लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि मोहम्मद जमील देसी कट्टा का भय दिखाकर गांव के दुकानदारों से रंगदारी मांग रहा था, जिससे दुकानदार एवं ग्रामीण भयभीत होकर दहशत में आ गए थे। तभी कुछ ग्रामीणों ने मोहम्मद जमील को पकड़ लिया और बिजली के खंभे से बांध दिया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद जगदीशपुर पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और आरोपी को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर गिरफ्तार कर थाना ले गई। जगदीशपुर पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार युवक का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और वह जेल भी जा चुका है। खाने पीने के शौकीन लोगों को अब शहर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिहारी डिश लिट्टी चोखा के साथ कई प्रकार के लजीज भोजन का लुफ्त भागलपुर के तीखी मिर्ची रेस्टोरेंट में उपलब्ध है। सोमवार को महात्मा गांधी पथ स्थित सीएस कंपाउंड में तीखी मिर्ची कॉम्बो रेस्टोरेंट का उद्घाटन भूषण प्रसाद सिंह, प्रबंधक बंटी शर्मा, संचालक प्रवीण कुमार समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। इसके पूर्व रेस्टोरेंट में विधिवत पूजा अर्चना की गई। वहीं प्रबंधक बंटी शर्मा ने बताया कि हमारे यहाँ लिट्टी चोखा, छोला कुलचा सहित कई तरह के व्यंजन उपलब्ध हैं। प्रबंधक ने कहा कि भागलपुर में पहली बार लिट्टी के साथ लोगों को चिकन तीखी मिर्ची रेस्टोरेंट में परोसा जाएगा। साथ ही स्टूडेंट को 15% छूट देने की बात कही। वहीं कोरोना वायरस को देखते हुए आगंतुकों के लिए रेस्टोरेंट में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। इसके साथ ही सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। संचालक प्रवीण कुमार ने बताया कि तीखी मिर्ची रेस्टोरेंट में सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्पेशल टेबल अरेंजमेंट किया गया है। मौके पर करण शर्मा, कुश पांडे समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर में सबसे पहले पहली बार जो है हम लोग लिट्टी चोखा, लिट्टी मुर्गा को लेकर आ रहे हैं और साथ में कहीं भी कोई भी तरह का डिश छोला के साथ कुलचा अभी तक भागलपुर में किसी ने नहीं परोसा है, जो कि बहुत ही प्रचलित डिश है। खास करके दिल्ली में इसे काफी पसंद किया जाता है। जो पहली बार भागलपुर में हम लोगों ने लेके आया है छोला के साथ कुलचा, स्टूडेंट के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज में, बहुत अच्छी क्वालिटी में जो डिशेस सब सारे तैयार किए गए हैं, सबका कॉम्बो बनाया गया है जो हर तरह से है। छोला कुलचा है, उसके बाद आपका पनीर बटर मसाला के साथ कुलचा है, पनीर चिल्ली के साथ गार्लिक नान है, इस तरह से लिट्टी के साथ चोखा है, लिट्टी के साथ मुर्गा है, मटन स्टू के साथ तवा पराठा दिया जा रहा है जो अपने आप में एक अद्भुत टेस्ट देगा, लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। हम लोगों ने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट करके इन सब चीज़ों को हम लोगों ने एक छोटे से जगह पे बहुत अच्छी तरह से इसको सजाया संवारा है और आशा है यहाँ भागलपुरवासियों के लिए बहुत अच्छा रेस्टोरेंट साबित होगा। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। अवैध कब्जा पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर, पुलिस की मौजूदगी में बरारी इलाके से हटाया गया अतिक्रमण। भागलपुर नगर निगम में वर्षों से जमे 2 दर्जन से अधिक कर्मियों का हुआ तबादला, वरीयता सूची पर उठने लगे सवाल। देश भर में तेजी से बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, भागलपुर में 300 मरीज हुए स्वस्थ। और नवगछिया में अपराधियों के हौसले बुलंद, मुर्गा कारोबारी से नकाबपोश बदमाशों ने लूटे रुपए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।